हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अनीता जी किचन एंड ब्लॉग्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। तो चलिए, आज मैं वापस से आपके लिए और अपने हमारे जो नए मकान बन रहे हैं उसकी वीडियो लेके आ रही हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपसे वही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा अगर आप ना स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना वीडियो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे कैसे यहाँ पे और पूरे मकान की और रखी थी और आपके सामने ये मकान बना है। क्योंकि मैंने इसकी हर वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड कर रही थी, तो यहाँ पर अभी इस पूरा नहीं हो चुका है। वैसे तो अभी यहाँ पे चल रही है, प्लास्टर चल रहा है। ये देखिए दीवारों पर भी फर्स्ट रह चुका है कच्चा और अभी प्लास्टर लगा रहा है। तो हमारे जो मिस्त्री साहब हैं वो सभी यहाँ पर प्लास्टर में लगे हुए हैं। तो देखिए लगभग प्लास्टर में उन्होंने लगभग 10 से 15 दिन लगा दिए थे। तो देखिए तो भी बहुत ही बड़ा है, इतना टाइम तो लग जाता है। तो प्लस्तर यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे ये देखिए हमने यहाँ पे मकानों में ना अल्ट्राटेक सीमेंट ही काम में लिए, जो फर्स्ट नंबर पे है अल्ट्राटेक सीमेंट और सबसे बेस्ट भी होती है। तो ये देखिए हमारे घर में, मैं आपको दिखा देती हूँ, हमारे जो मिस्त्री हैं, मैन मिस्त्री हैं, जो हेड है वो यहाँ पे इस तरीके से प्लस्तर में लगे हुए हैं। क्योंकि इनको प्लस्तर भी काफ़ी लेवल के हिसाब से करना पड़ता है। तो आप मेरी वीडियो में लगातार बने रहिए और देखते रहिए मकान में कैसा लग रहा है, प्लस्तर करने के बाद में कैसा लग रहा है। वैसे प्लस्तर करने के बाद में ना बहुत ही अच्छा लुक दिखाई देता है इसका, बहुत ही अच्छा आपके पास से दिखाई देता है। प्लस्तर कुछ इस तरीके से होता है, आपको दिखा देती है ये देखिए। और ना इस पर कलर अभी नहीं होगा, कलर बाद में होगा। प्लस्तर जब अच्छे से सूख जाए ना उसके बाद में कलर होगा। तो अभी प्लस्तर लगभग मैं यहाँ पे कई लोग अपनी वीडियो डाल रही हूँ जिसमें रेसिपी डाल देती हूँ, क्योंकि मकानों का इतना वीडियो नहीं बन पाता है। तो ये देखिए हमारे दूसरे मिस्त्री साहब हैं, वो भी लगे हुए हैं ये मंदिर के अंदर प्लस्तर कर रहे हैं, जो मंदिर है हमारे घर का। सबको दिखा देते हैं अंदर से। और सर्दी का मौसम है, काफ़ी धूप भी मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, फिर भी ये मिस्त्री और मजदूर वगैरह सभी अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। तो आप है ना देखते रहिए, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा हमारा ये मकानों का वीडियो। आपको बाहर से व्यू तो मैंने पहले भी दिखा दिया था, अब और भी दिखा देंगे। तो सभी अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और यहाँ पे साथ साथ में ना तराई का काम भी चल रहा है, क्योंकि ये करने में बहुत जरूरी होता है। तराई की वजह से ना जो प्लास्टर है कुछ भी हो वो हार्ड होता है, मजबूत होता है। तो यहाँ पे मैंने जल्दी भी स्टार्ट कर रखा है, ऐसे जल्दी के पीछे मैंने कर दिया पूरा प्लास्टर, अब जल्दी के अंदर लगे हुए हैं। बारिश के पानी वाली टंकी लगाई थी ना, मैंने आपको बताई थी, इसके अंदर मोटर, इसके अंदर पाइप डाल के मोटर लगा रहे थे। इस पानी से मेरा तैयारी हो रही है। और ये देखिए सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। तो बाकी वीडियो में आप देखते रहिए और तो क्या मेरा काम से दे देख लीजिए। यहाँ भी बीच बीच में आपको दिखा देती हूँ मैं, यहाँ पे हमारी जो लकड़ी के मिस्त्री साहब हैं वो लगे हुए हैं। तो हमने इनको ना घर पे ही बैठा रखा है, क्योंकि लकड़ी का काम चल रहा है। यहाँ पे खिड़कियाँ और गेट बन रहे हैं घर पे। तो देखिए हमारा जो जहाँ पे हम रह रहे हैं वहीं पर दूसरा क्वार्टर है, उसके अंदर हमने इनको बैठा रखा है। और ये देखिए उनकी मशीन है, कुछ इस तरीके से ये लकड़ी की शेप देते हैं, खींचे हुए इस तरीके से मैंने इसको बना दिया। बहुत ही साफ सफाई से काम होता है।
से थोड़ा लकड़ी से भी ना ये अच्छे से निकाल लेते हैं। और बहुत ही क्लीन जैसे हाथ में डालने में तो बहुत ही बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे बहुत ही सॉफ्ट जो है मैं कर देती हूँ लकड़ी में। तो यहाँ पे अपने इधर ये काम चलना भी चाहिए और क्योंकि वहाँ पे उन मकानों में तो जगह है नहीं कि वहाँ पे बैठ के ये अपना काम कर लें, तो यहाँ पे हमने इनको घर पे ही लगा दिया था। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने आपको ये खिड़की हमने बाद में बनवाई है, जो पैर जो सीढ़ियाँ होती है ना उसके नीचे वाली जो खिड़की होती है बाहर वाले कमरे पे वो बाद में लगाई क्योंकि यहाँ पे कूलर सेट होगा। तो ये देखिए अभी यहाँ पे हॉल है जो उसमें रसोई में हो चुका है लगता है और अभी हॉल भी होगा। तो देखिए इस तरीके से लेवल होता है, यही चेंज हो जाता है, बहुत अच्छे लगने लग जाते हैं। वैसे अच्छे नहीं होते हैं लेकिन बहुत मतलब निखर जाते हैं और जब पूरे मकानों में पसंद हो जाएगा तो भी अच्छे लगेंगे। साथ साथ में आपको मैं घर की वीडियो भी दिखा देती हूँ इस तरीके से अपना इसके ऊपर अपनी इंच नाप लिख लेते हैं और इसके हिसाब से क्या करते हैं खिड़कियों का नाप ले आते हैं पहले वो वहाँ पर जाते हैं और फिर यहाँ पर अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। तो ये देखिए लकड़ियों की घिसाई कुछ इस तरीके से होती है और ये हमने टंकी ली है 2000 लीटर की टंकी ली है प्लास्टिक की जो सबसे बेस्ट होती है, जो पानी की टंकी होती है जो छत पर रहेगी इसी से सप्लाई होगी पूरे घर के अंदर। तो हमने यहाँ पर 2000 लीटर ली है जो काफ़ी हैवी होती है और काफ़ी बहुत सारा पानी करती हूँ। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।